नमस्कार, डीएनएस न्यूज लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रामनवमी के शुभ अवसर पर आज शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद एवं श्री राम भक्तों ने आज सिलवासा में भव्य शोभा यात्रा श्रद्धा एवं धूमधाम से निकाली। शोभा यात्रा आज दोपहर 3 बजे के करीब दादरा नगर हवेली आमली तिरुपति बालाजी मंदिर के पास से आरंभ हुई, जो छत्रपति शिवाजी चौक टोकर खारा किलोनी नाका झंडा चौक गायत्री मंदिर होते हुए तिरुपति बालाजी मंदिर में संपन्न हुई। इस कार्यक्रम के दौरान श्री राम भक्तों ने गाजे बाजे के साथ जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आए। हर एक खबर हमने आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप देखते रहिए डीएनएस न्यूज लाइन। अगर अभी तक आपने डीएनएस न्यूज लाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि दादरा नगर हवेली दमन दीप एवं आसपास के सभी खबरों से हमने आपको सबसे पहले रूबरू करवाता रहूं। धन्यवाद। शोभा के है कि हमारा राम मंदिर बनने जा रहा है, उस उपलक्ष्य के अंदर में सभी दादरा नगर वासियों सभी समाज इकट्ठा होकर विश्व हिंदू परिषद की रामनवमी रैली में सभी उपस्थित रहे और ये ऐतिहासिक रैली बनने जा रही है। आप मीडिया के तरफ का आपका भी बहुत कुछ आभार करते हैं, मीडिया वाले लोग को जय श्री राम। देखिए हमारे खुशी की बात है कि हमारे ओम जी बिरला उनकी धर्मपत्नी इस रैली में शोभा यात्रा में शामिल हुई है और उन्होंने भी पद यात्रा जैसा आज हमारे कदम से कदम चलाकर उन्होंने भी 1 किलोमीटर अंतर की रैली में झांकी में सहभाग लिया हुआ है। सर्वप्रथम मैं प्रदेशवासियों और देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आज दादरा नगर हवेली के इतिहास में रामनवमी पहली बार इतनी भव्य तरीके से यहाँ मनाई जा रही है, उसका पूरा श्रेय विश्व हिंदू परिषद और सर्व हिंदू समाज को जाता है जिन्होंने इस रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस रैली को ऐतिहासिक बनाया।